एसटीपी के प्लांट्स भी मंजूरी दी जा रही है सीवेज के लिए, तो उस ताल्लुक़ से भी हमने नुमाइंदगी की कि पुराने शहर में भी एसटीपी के प्लांट्स लगाने के लिए, जिसके लिए सुरम चेरू, पल्ले चेरू और फिर ये मुर्की नाला वहाँ पर और फिर आगे मूसा नदी में जाने से पहले चार पांच जगहों पे हमने निशानदेही की है जहाँ पे एसटीपी प्लांट्स की तंसीब का मुतालबा किया, तो उस पर भी अपने रद्दमल का इज़हार करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूर इसको भी हम उसमें शामिल करते हैं। फिर हालिया अरसे में नखिब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मौजूद रुकन पार्लियामेंट की नुमाइंदगी पर हलके असेंबली कारवान में सीवरेज के कामों के लिए करीब 300 करोड़ की मंजूरी दी गई थी, तो उस वक्त हमने चंद्रायन गुट्टा हलके असेंबली के उन इलाकों का भी जिक्र व तस्करा किया था जिसका एस्टीमेट और पूरा मास्टर प्लान तैयार था जो 320 करोड़ रुपये का था, कि ये बल्लागुड़ा एरिया और फिर बारकस सलाला यहाँ पे सीवरेज के नए लाइन डालने के लिए। तो हलके असेंबली कारवान की मंजूरी दे दी गई और अनखरीब उसका काम शुरू होगा। चंद्रायन गुट्टे के 320 करोड़ के ये सीवरेज लाइंस के ताल्लुक से हमने नुमाइंदगी की, तो उसको भी जल्द अज जल्द मंजूरी देने का वादा किया और कहा कि न सिर्फ मंजूरी दी जाएगी बल्कि जल्द अज जल्द चंद्रायन गुट्टे हलके असेंबली में भी उस काम का आगाज़ करवा दिया जाएगा। और फिर इसके बाद हमने इस असेंबली इजलास में जो मसाइल जो रखना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, वो भी हमने सामने रखा और हैदराबाद मेट्रो के ताल्लुक से भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब के वादे को याद दिलाया कि मेट्रो ट्रेन पुराने शहर में भी दौड़ेगी, उन्होंने ऐवान असेंबली में वादा किया था, तो उस ताल्लुक से भी हमने चीफ मिनिस्टर साहब से अपने सारे मसाइल है उसको रखा। और भी बहुत से मसाइल हैं, इंशाल्लाह ये असेंबली के सेशन में हम पूरे मसाइल को रखने की अपनी जानिब से मौसर कोशिश करेंगे, जैसा चार मीनार दवाखाने का भी मसला है, निज़ामिया तिबी का भी मसला है और पार्किंग लॉट्स का है, पुराने शहर की तरक्याती सरगर्मियों का है, इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल है, आबरसानी के मसाइल हैं, ये सारे मसाइल जो जो भी है इंशाल्लाह हम अपनी जानिब से कोशिश करेंगे कि उन मसाइल को ऐवान असेंबली में उठाएं। और हर वक्त की तरह एक कामयाब असेंबली सेशन इंशाल्लाह इस मर्तबा का भी होगा। और हमने चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया 5000 करोड़ की इजराई के लिए और इसमें पुराने शहर को भी शामिल करने का मुतालबा किया, जिस पर उन्हें रजामंदी ज़ाहिर की। तो ये तमाम मसाइल हैं और भी बहुत से मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम ज़रूर उन सारे मसाइल को भी उठाएंगे। और अखाफी जायदादों के ताल्लुक से भी हमने कहा तो चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि माइनॉरिटी वेलफेयर की जो बहस होगी उसमें आप इन मसाइल को भी उठा सकते हैं। तो यही चंद बातें थी जो मैं आप मीडिया के हजरात के ज़रिए अवाम तक पहुंचाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था। और भी कई मसाइल हैं, इंशाल्लाह ये आने वाले सेशन में उन मसाइल को भी हम ज़रूर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेशन में भी हम कुछ कामयाबियाँ हासिल करें और आवाम के मसाइल को हल करें और आवाम की दुख तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें, चाहे वो राशन का मसला हो,
या राशन कार्ड्स का मसला हो या फिर दूसरे कोई मसाइल हो, इन सारे मसाइल को हम उठाएंगे और ज़रूर हल करेंगे। अगर आप लोग कुछ मुतालबा किया कि बहादुरपुरा हल्के असम्बली में ITI का जो कैंपस है रमनसपुरे में, उसमें काफ़ी खुली आरजी है, वहाँ पे जूनियर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की मंजूरी का हमने मुतालबा किया, और जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ बोलेंगे और मुझसे कहा कि आप भी बात करिए। बात करने के बाद में ज़रूर उसको भी मंजूरी देते हैं ताकि बहादुरपुरा हल्के असम्बली में भी कुछ काम हो। फिर उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मैंने ये कहा कि नामपल्ली में ITI का और एक मरकज़ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, एक उसमें भी खुली आरजी है, वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज का आगाज़ करें जिससे काफ़ी बेरोज़गार नौजवानों को हुनर हासिल होगा और उस हुनर के बाद में जॉब प्लेसमेंट्स भी उनके हो सकते हैं। उस पर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि असेंबली में जब माइनॉरिटी का बहस होगी तो उस वक्त आप इसको भी उठाइए, इंशाल्लाह ज़रूर हुकूमत की जानिब से इस पर भी हम जो भी मुमकिन हो सकता है करेंगे। फिर मैंने उसके बाद में उनको ये भी बताया कि सेटविन का ख़याम अमल में आया था और सेटविन के ख़याम के ज़रिए पुराने शहर के लोगों में हुनर की तालीम दी जा रही थी और उसके साथ साथ छोटे मिनी बसेस के ज़रिए पुराने शहर की तंग गलियों में छोटे मिनी बसेस के ज़रिए लोगों के सहूलत के लिए वो भी क़ायम किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी एक तवज्जो देने और एक मीटिंग बुलाकर और मुलाकात में सबसे पहले हमने इस बात को रियासती चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर की बात, जिसके लिए उन्होंने ऐवान असेंबली में और फिर उलमाए मशायखीन के सामने ये वादा और ऐलान किया कि पहले से अच्छी और बड़ी मस्जिद तामीर की।